हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला मुख्यालय पर शनिवार को जालौर की सबसे महत्वाकांक्षी मांग रेलवे C-48 क्रॉसिंग पर आरोपी बनाने के मामले में जालौर सिरोही सांसद देवजी एम पटेल ने केंद्र सरकार द्वारा इस कार्य को पूर्ण करने का दावा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि इस कार्य को लेकर सर्वे किया गया है, साथ ही लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले संबंधित मंत्री से मिलकर इस कार्य की स्वीकृति जल्द से जल्द करवाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सरकार पर जमकर दावा बोला। उन्होंने कहा कि जालौर शहर में आरोपी मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत सभी कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारियों ने जालौर की जनता को गुमराह किया। एक झुंझुने के रूप में घोषणा तो कर दी, लेकिन उसको अमली जमा पहनाने के लिए एक कदम भी नहीं चल सके। वास्तव में इस कार्य को केंद्र सरकार ही पूरा करेगी, ऐसा उन्होंने एक बार फिर दोहराया और इसके लिए उन्होंने शत प्रतिशत प्रयास करने का जालौर की जनता से वादा किया। उन्होंने पेट्रोल डीजल के मामले में भी राज्य सरकार के अधिक वेट को जिम्मेदार माना। पड़ोसी राज्य गुजरात में टैक्स कम होने के कारण पेट्रोल डीजल की कीमत राजस्थान से कम है। पटेल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर परेशान किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं। इस दौरान रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल, जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, भाजपा पदाधिकारी भरत सिंह भोजानी, मुकेश राजपुरोहित, उप सभापति अम्बालाल व्यास समेत कई लोग उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए जालौर से खास रिपोर्ट।